सावन के महीने में 1 अगस्त को प्रदेश भर में हरियाली अमावस्या और हरियाली महोत्सव मनाया गया। इस दौरान जगह जगह वृक्षारोपण किया गया। इसी कड़ी में देवास जिले के थानों में पौधे लगाए गए। दरअसल SP चंद्रशेखर सोलंकी के निर्देशन में पूरे देवास जिले के थाना परिसरों में 10,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर थाना परिसर बागली में थाना प्रभारी अमित सोनी द्वारा बागली तहसील के पत्रकार अधिवक्ता के साथ गणमान्य नागरिकों ने थाना परिसर में वृक्षारोपण किया। बागली थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि इस अभियान के तहत बागली थाने पर हमें 500 वृक्षों का वृक्षारोपण करने का लक्ष्य दिया गया है। ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय देवास द्वारा अभियान चलाया गया था, जिसमें पूरे ज़िले में 10,000 पौधा रोपण का उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके तहत 500 पौधे बागली थाना क्षेत्र में लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। दूसरा, आज हरियाली अमावस्या है तो उसके लिए विशेष निर्देश था कि आज कुछ पौधा रोपण कर दिया जाए। तो उस संदर्भ में हमने यहाँ के पत्रकार बंधुओं, वकील साहब लोगों को बुला करके, गणमान्य लोगों को बुला करके थाना परिसर में पौधारोपण करवाया।